32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बेटमा पहुंचे यातायात आइकन और दी महत्वपूर्ण जानकारियां। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर में शुक्रवार को यातायात आइकन के नाम से प्रसिद्ध सिंघम रंजीत सिंह अपनी टीम के साथ राजबाड़ा बेटमा पहुंचे, जहां उन्होंने राहगीरों, विद्यार्थियों एवं ग्रामीणजनों को यातायात संबंधी जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से यातायात के नियम नहीं मानने पर होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया। यातायात संबंधी प्रदर्शनी भी लगाई गई। यातायात थाना प्रभारी दिलीप सिंह परिहार, बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा, नगर सुरक्षा समिति संयोजक भूपेंद्र पंचोली, समाज सेवी राम निवास दाव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आबा संदीप खत्री ने माना। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मजा आ रहा है? नहीं। क्या बोल रही है? आज क्या सीखने को मिला आज यहाँ पर? फॉलो द रूल्स, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और धीरे चले, सुरक्षित चले और अपने घंटे तक आराम से पहुंचे। घंटे मतलब समझ नहीं आया बेटा? हाँ, हो क्या ठीक? कैसा लगा आपको? क्या सीखने को मिला आपको? कि ट्रैफिक रूल्स कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए। वेरी गुड, इतने छोटे बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं। और सीखने को मिलने की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जवाब जोरदार ताली हो जाए। देखिए हमने भी से आज एक गेम अच्छे से सीख रहे हैं, कि हम लोग फॉलो करना है। हम इनको में सिखाने जाते हैं पर जो लोग ऑलरेडी सीखे रहते हैं। आज ये ट्रैफिक पुलिस इंदौर ने जो शिविर यहाँ पे लगाया और जो जानकारी दी, उसे ग्रामीण क्षेत्र में यातायात के नियम कैसे होते हैं, कैसे पालन करना, अपनी सुरक्षा कैसे करना, इसके मामले में बहुत अच्छी जानकारी बच्चों से लगा के बड़ों तक को मिली है। इसके लिए मैं यातायात पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने बताया और नियम के अलावा कौन कौन से कागज़ गाड़ी में रखना चाहिए और आप किस किस असुविधा से बच सकते हैं, ये भी उन्होंने बहुत बारीकी से बताया। तो ये जो बताया है, इन नियमों का सभी ग्रामीण लोग पालन करें और मैं ट्रैफिक पुलिस इंदौर को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जी 25वां सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो कि हम जानते हैं पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इंदौर शहर में भी इसका बहुत हम लोग तहे दिल से लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं ट्रैफिक सुरक्षा के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में। उसी के तहत हमको बोला गया था कि ग्रामीण अंचलों में जाइए, ग्रामीण लोगों को भी ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताइए। इस तरह हम लोग बेटमा में आए और हमें बड़ा अच्छा लगा, जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे वो कहने में पूरा हो रहा है, क्योंकि बच्चों से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर भी आ रहा है। जब नहीं आ रहा था उसका हम कुछ ना कुछ सवाल उनसे पूछते हैं, बैठ रहा है यहाँ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। हमारा एक मेन मकसद है कि गाँव गाँव तक कहते हैं नियमों को पहुँचाएं ताकि लोग रूल्स फॉलो करें, सेफ लेकर पहुँचे, किसी का रोड पर एक्सीडेंट ना हो, कोई की मौत ना हो रोड पर। इसके तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम लोग गली गली कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। उसके तहत आज बैठक में आप लोग आए थे और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला बैठक में पब्लिक के द्वारा और अच्छे तरह बच्चों ने खेला भी थी। जो हमारा उद्देश्य था ट्रैफिक रूल्स को खिलाना, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आकर सार्थक हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।